एक बीच में रूमर फैला था कि शायद मैं अफगानी एरा में से हूँ, मैं अफगानी एरा से नहीं। करिश्मा, यू नो, शी इज अ लेजेंड बाय हरसेल्फ, यू नो, शी इज ऑनेस्टली हर मायने में अ ट्रू कपूर। जेल वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई करियर। Dangerous Ishhq is a film that, you know, is one of those few films jisme ek actor, he feels very confident, very relaxed. First of all, because it's a very good director, it's a very good script, Mr. Vikram Bhatt, and the script is fantastic, the way it's churned out. And it's a beautiful take on Inception, and I feel very nice that I'm such an integral part of the film. So let's hope for the best. 3D का मेरे लिए सबसे ज़्यादा exciting बात ये थी कि मेरे लिए एक altogether नया experience था कि एक टैंगो जो उस कैमरे का नाम है उसको देखना, उसका शेप, उसका साइज, उसकी क्या मिरर इफेक्ट्स होती हैं। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जब अपनी माँ के साथ पहली बार छोटा चेतन देखने गया था, मेरे लिए बिल्कुल आउट एंड आउट वो एक्सपीरियंस था उस फिल्म का। एंड इट वॉज रीलिविंग दैट चाइल्डहुड एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। माई कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग पार्ट्स ऑफ द फिल्म, एक किस्म का एक पिलर है इस फिल्म का। कहीं ना कहीं आप खुद कंफ्यूज होते हैं कि कैरेक्टर इज अ गुड कैरेक्टर और इज अ बैड कैरेक्टर। आउट एंड आउट ग्रेट करिश्मा, यू नो, शी इज अ लेजेंड बाय हरसेल्फ, यू नो, शी इज ऑनेस्टली हर मायने में अ ट्रू कपूर। चाहे वो तहजीब हो, चाहे वो टैलेंट हो, खूबसूरती हो, बकायदा वो हर चीज में अव्वल है। अजीज इज क्वाइट अ फ्रेंड, सो यू नो, आई एम होपिंग द फिल्म डज सुपरबली वेल फॉर हिम टू। जेल वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई करियर, on whatever terms it was the turning point, and I got that film kyunki Ashok Pandit sahab ne mujh pe yakeen kiya and Matru Bhandarkar sahab ne mujh pe yakeen kiya, and I had a very very good co-actor with me, Neil Nathan Vokish. Jail se I came back in the industry because Aapke Baras se I was completely thrown out. Jail was one release after 3-4 years, then it was the next year exact, a year's difference was Tees Maar Khaan. Uske baad next year wapas release hui Ready, सुपर डुपर हिट सलमान साहब की फिल्म, एंड उसके बाद आजान। उसी साल मेरी एक और पंजाबी फिल्म आई यारन मुल्ले, सुपर डुपर हिट फिल्म। और इस साल जो है 2012 में मेरी 6 हिंदी फिल्म्स रिलीज़ हो रही है और मेरी 2 पंजाबी फिल्म्स रिलीज़ हो रही है। अगर मैं उस तरीके से देखूं तो मैं कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। डेंजरस इश्क राइट नाउ इन जून कम्स आउट मैक्सिमम विद सोनू एंड नसीर साहब, देन कम्स आउट इन द नेक्स्ट मंथ और समथिंग जिंदगी 50-50, then comes out is Choro Ki Barat, then comes out in another month or something is Afra Tafri, फिर उसके बाद एकदम से आ जाएगी जोकर विद अक्षय पाजे। शिरीश और फराह जो मेरे लिए हैं बिल्कुल फैमिली जैसे हैं, एंड जेल के बाद अगर मुझे किसी ने काम दिया था तो उन्होंने दिया था, तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि फिल्म बहुत चलनी चाहिए यार। फिर उसके बाद जनवरी में आएगी मटरू की बिजली का मंडोला। मैं एक ऐसा किस्म का आदमी हूँ जो हमेशा इंसान हूँ जो हमेशा आगे के लिए देखता है और आगे के बारे में सोचता है कि यार अब जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है। अगर मैं पीछे को देखकर खुश होने लग गया तो फिर शायद मेरी गड्डी रुक जाएगी। पहली चीज़ तो यही होती है कि स्क्रिप्ट कैसी है। स्क्रिप्ट अगर अच्छी है, जो रोल मिल रहा है वो अच्छा है, डायरेक्टर कैसा है, एंड यू नो सेटअप क्या है, ऑल दीज थिंग्स डू मैटर, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि आप एक अच्छी फिल्म करें और उसको देखने कोई ना जाए तो फिर इट्स एज गुड एज मेकिंग बिरयानी एट होम एंड ईटिंग अलोन। इस साल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बेस्ट जो मैं रोल्स कर रहा हूँ वो विक्रम भट्ट की फिल्म में है और फिर विशाल भारद्वाज की फिल्म में है मटरू की बिजली का मंडोला। आई एम इन अ पर्टिकुलर जनरेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम जोन। आई एम इन द एरा ऑफ 1947। एक बीच में रूमर फैला था कि शायद मैं अफगानी एरा में से हूँ, मैं अफगानी एरा से नहीं। आई डिड नॉट प्रिपेयर एट ऑल क्योंकि द डायरेक्टर वॉज सो एप्ट एंड ही हैड डन सो मच वर्क एंड इतना ज़्यादा होमवर्क, सो उस तरीके से यू नो इट्स लाइक एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर। और फिर दूसरी चीज़ जो है आप कह सकते हैं आई एम प्रीटी मच टैलेंटेड, सो आई रियली डोंट हैव टू रियली गो एंड किल माई सेल्फ एंड गो एंड लिव समवेयर और गेट इन टू अ टाइम मशीन और पिछले ज़माने में जाकर रिसर्च करके आऊँ। You know, I pretty much enjoyed my work and that's it. Solo तो मैं पंजाबी फिल्म में कर रहा हूँ and solo तो मैं करता जाऊँगा उत्थे। जितना तक तुसी हिंदी फिल्मों का सवाल कर दे हो, my हिंदी films I will keep doing big films like Dangerous Ishq and everything and be a part of them, and small films like low budget films like Zindagi 50-50 with Riya Sen और चोरों की बारात with राजपाल यादव and Om Puri and Sayali Bhagat. I am one of the, it's like a second lead or the third lead. But yes, in my bag of good films, I have a Matru Ki Bijli Ka Mandola in which I am the second lead of the film. So it's nice. Surprisingly, ये एक लौती ऐसी मेरी मेरे करियर की एक फिल्म आ रही है जिसमें मैं कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स बैठा हुआ हूँ
कि फ्राइडे को फिल्म रिलीज है. अच्छा, सो आई एम अ बिट टू रिलैक्स व्हेन इट कम्स टू दिस रिलीज़.